गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे लेसन 16, आठवीं का संस्कृत का है। हम पहले करा चुकी हूँ, कुछ थोड़ा सा रह रहा है वो कराऊंगी और उसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। तो अब कह रहा दीपक तात तीज नामक है, कश्चन है, कश्चन सुंदर है, कीट विशेषो अपि भवति। पिताजी तीज नामक है, तीज नामक कश्चन मीन्स कोई, सुंदर है सुंदर, कीट विशेषो अपि कीड़ा भी होता है। तस्य नाम उसका नाम तीज इति कथम अस्ति, उसका नाम यह क्यों पड़ा, कथम मीन्स क्यों, अस्ति मीन्स है, उसका नाम यह क्यों है। पिता उचित प्रश्न है, उचित प्रश्न है, श्रावण मासे तीज पर्व समये एव अतीव सुंदर रक्त कोशीय वर्णे कीटो जायते। उचित प्रश्न है, श्रावण मास में तीज पर्व समये, तीज पर्व के समय ही, एव मीन्स ही, अतीव बहुत सुंदर है सुंदर, रक्त कोशीय वर्णे लाल रंग की रेशम के रंग वाला, लाल रंग की रेशम के रंग वाला कीटो कीड़ा जायते में पैदा होता है। श्रावण मास के तीज पर्व के समय ही बहुत सुंदर लाल रंग की रेशम वाले, रेशम के रंग वाला कीड़ा पैदा होता है। अस्मादेव इसी कारण या इसीलिए, तम कीटे तिम कीटम उस कीड़े को तीज इति कथ्या में तीज कहते हैं, इसीलिए इस उस कीड़े को तीज कहते हैं। बिमला ज्ञातम तात जान गई पिताजी, जान गई हूँ पिताजी, अहमपि तीज पर्वणी परवानी अधुनेव सज्जी भवामी आज्ञा पियतु। अहमपि मैं भी, संधि और यहाँ पर अहम जमा अपि, अहमपि मैं भी तीज परवानी, तीज का त्यौहार या तीज के पर्व पर, अधुनेव अभी, अधुना जमा एव, यहाँ भी संधि हो रही है, अधुनेव अधुन अभी, अब जमा ही तो क्या बन जाएगा, अभी सज्जी भवामी तैयार होती हूँ, आज्ञा पियतु आज्ञा दीजिए। पिता आम ठीक है, हाँ बेटी गच्छ वत्से जाओ बेटी, तीज पर्व आयोजतु तीज के पर्व का आयोजन करो। ठीक है, यहाँ पर ये हिंदी हो गई है लेसन की, इसके वर्ड मीनिंग है ये आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। उसके अगले है अब इसकी एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज साथ में ही है, इसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ साथ में दे रखे हैं। क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, कस्याम तिथौ तीज पर्व आयोजते, तो क्या आंसर आएगा इसका, तृतीया तिथौ, उत्तर दे रखें लास्ट इसमें दे रखो, कह गए रखें कस्याम तिथौ तीज पर्व आयोजते, कस्याम तिथौ कौन सी तिथि को होता है तीज पर्व, तृतीया तिथौ। मेघान दृष्टवा के नृत्यंती, मेघों को देखकर कौन नाचता है, मोर, तो आंसर आएगा मयूरा। तीज पर्व वस्तुतः कासाम पर्व विद्यते, तीज का पर्व वास्तव में किसका पर्व है, किसका त्यौहार है, स्त्रियों को, तो क्या आंसर आएगा, स्त्री नाम। हस्तयो किम लेप्यामे, हाथों पर क्या लगाया जाता है, किसका लेप किया जाता है, मेहंदी का, तो आंसर आएगा मेहंदी काम। लास्ट क्वेश्चन है, तीज पर्व समय कीदृश कीटे जायते, तीज पर्व के समय कैसा कीड़ा पैदा होता है, आंसर है रक्त कोशीय वर्णे, लाल रंग की रेशम के रंग वाला कीड़ा। ठीक है, ये तो थे एक शब्द में, अब है एक वाक्य में उत्तर देना है, तीज पर्व कथा आयोजित, तीज पर्व कब आयोजित, तीज का पर्व, तीज का त्यौहार कब आयोजित किया जाता होता है, कब होता है, श्रावण मास की तृतीय तिथि को, तो तीज पर्व श्रावण मास से शुक्ल पक्ष से तृतीय तिथौ आयोजते। दूसरा क्वेश्चन है, इदव पर्व कस्मात कारणात हरियाली तीज इति नामना प्रसिद्धम, यह पर्व किस कारण हरियाली तीज के नाम से प्रसिद्ध है, किस कारण से है, क्योंकि यहाँ इस पर हरिया बहुत चारों तरफ क्या होता है, हरियाली हरियाली होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, हरियाली तीज। इदम पर्व हरित वर्ण से बाहुल्यात, हरे रंग की अधिकता के कारण, इदम पर्व हरित वर्ण से बाहुल्यात हरियाली तीज इति नामना प्रसिद्धम। तीसरा क्वेश्चन है, पाकशालायाम किम किम पच्यते, पाकशालायाम रसोई घर में क्या क्या पकाया जाता है, क्या क्या पकाया जाता है, पाकशालायाम पायसम अपूपान सूत्रिका गुड़गोलादिनी बहुनी व्यंजनानी पच्यन्ते, ये व्यंजनानी है पच्यन्ते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोके कोथली पदस्य को अभिप्राय है, संसार में कोथली कैसे क्या अभिप्राय है, आंसर है तीज परवानी पितृपक्षते स्वकन्यायै यत् घेवर मिष्ठानम फलानी वस्त्र भूषणादिकम प्रेष्यते
तत्लोके कोतली इति कथ्यते। तीस पर्व पर पिता की तरफ से अपनी पुत्री के लिए, अपनी कन्या के लिए क्या क्या भेजा जाता है? घेवर की मिठाई, फल, वस्त्र, आभूषण आदि भेजे जाते हैं। इसे संसार में क्या कहा जाता है? कोतली कहा जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन। अब संधि और संधि विच्छेद करना है। नमः जमा नमः, नमो नमः। ठीक है, अवकाश है जमापि, अवकाशोपि, ये ए का पूर्व रूप हो जाता है इसमें। प्रचंड तापेन, प्रचंड जमा आतपेन, यतो ही, यतः जमा ही। पद निर्माणम कुरुत, धारण के अनुसार करना है इसमें। जैसे दे रखा है दृश जमा कत्वा, दृश धातु है, कत्वा प्रत्यय में लगाना है तो क्या बन जाएगा? दृष्टवा। गम जमा कत्वा गत्वा, पठ जमा कत्वा पठित्वा, क्री जमा कत्वा कृत्वा। ठीक है, अगला है अब धातु में तुमुन प्रत्यय लगाना है। दृश धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे बनेगा दृष्टुम, पठ में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे पठितुम, ज्ञा धातु में तुमुन प्रत्यय ज्ञातुम, क्री धातु में तुमुन प्रत्यय कर्तुम। अगला है उपसर्ग प्रत्यय और धातु। जब किसी धातु के साथ उपसर्ग लगता है तो उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? ल्यप प्रत्यय। कौन सा होता है? ल्यप। जैसे अनु जमा भू जमा ल्यप, अनु उपसर्ग है, भू धातु है, ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय क्या बन जाएगा? आगम में। आ जमा गम जमा ल्यप क्या बनेगा? आगम में। आ उपसर्ग रूह धातु ल्यप प्रत्यय आरूहीय। उप उपसर्ग क्री धातु ल्यप प्रत्यय उपकृत्य। ठीक है, नेक्स्ट है समान पर्यायवाची योज्यत। पर्यायवाची शब्द लिखने हैं तो सकले के साथ आएगा संपूर्णे, निशान लगा लो इसमें साथ साथ। सकले के साथ संपूर्णे, दृष्टवा के साथ विलोक्य, पादपा वृक्षः, महिला स्त्रिय, अस्ति वर्तते। तो ये आएगा सकले के साथ, दोबारा सुन लो, विलोक्य, ये मैं आगे पेज ने अगले पे नहीं कराऊँगी, इसी में देखो। इसमें सकले के साथ आएगा संपूर्णे, सकले के साथ संपूर्णे, दृष्टवा के साथ विलोक्य, पादपा का वृक्षः, महिला का स्त्रीय है, अस्ति का वर्तते। तो ये हमारा लेसन पूरा हो गया है। ये अपनी कॉपी में करना है, इसको लर्न करना है।